तो हिमाचल प्रदेश के जो भी युवा थंबनेल देखकर आए हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो है वो आउट की गई है तो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं तो ओल्ड डिटेल्स जो है वो वन बाई वन हम देखेंगे तो ध्यान से जो भी चार पाँच मिनट की वीडियो बनती है इसे ध्यान से जरूर सुनिया करें आप सभी स्किप मत कीजिए इससे क्या होता है कि आपको एज का पता नहीं चलता कि कहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप लेते हो जिसके कारण युवा वो आपको कठिनाई बाद में आती है तो प्लीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो चार पाँच मिनट अगर आपको नौकरी लग जाती है तो चार में पाँच मिनट सुनना जो है वो कोई ख़राब बात नहीं है तो हिमाचल के युवाओं के लिए नौकरी निकली हुई है चाहे आप टेंथ पास हो आई की हुई है ग्रेजुएट फार्मेसी नर्सिंग सभी के लिए नौकरी की युवा वो आज की वीडियो में है इसी के साथ वोमेंस यानी महिलाएं भी आज की वीडियो में युवा वो देख सकती हैं उनके लिए भी वैकेंसी आउट की गई है तो ऑल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलेगी बस यही बात कहेंगे कि नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आने वाली जो नोटिफिकेशन होंगी हिमाचल प्रदेश में ही खासकर उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए आज वाला जो अपडेट आया हुआ है उसकी तरफ नजर डाल देते हैं जल्दी से तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर दो जगह की नोटिफिकेशन आई हुई थी तो हमने क्या किया कि दोनों पी को एक ही जगह युवा वो मर्ज कर लिया जिससे जो है वो दोनों जगह के कैंडिडेट्स एक ही साथ युवा वो इसमें अंडर हो जाए और अभी तक काफ़ी टाइम है आप सभी के लिए तो सबसे पहले जिस की बात करेंगे हम वो है आपका सब ऑफिस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बंजार ठीक है बंजार के जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनके सभी के लिए वैकेंसीज़ यहाँ पर आउट की गई हैं फिर बाद में हम बात करेंगे जो दूसरे नंबर की यहाँ पर सोलन डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं सोलन प्लस बद्दी के जो भी हैं कैंडिडेट्स जो देख रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देंगे तो काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन है एक एक करके जो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी पहले नंबर की वैकेंसी दिख रही है इसको तो आप काट दीजिए क्योंकि इसकी डेट से जो वो हो चुकी है इसकी इन्फॉर्मेशन हम पहले ही आपको दे चुके हैं इसके छोड़िए है आप दूसरे तीसरे और चौथे नंबर का सीरियल जो वो उसकी तरफ नज़र डालिए जल्दी से तो यहाँ पर ग्रेट हिमालयन पब्लिक स्कूल बहकाली कुल्लू हिमाचल प्रदेश में जो टीचर्स की चार वैकेंसी है जिसमें बी ए विद आप होने चाहिए बी मेडिकल या नॉन मेडिकल विद बी एड होना चाहिए आठ हज़ार रुपये से दस हज़ार सैलरी दी जाएगी और जो एक्सपीरियंस है वो प्रेफरेंस होगा कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस के साथ है। और इसमें आपको जो हो अठारह से पैंतालीस वर्ष एज रखी गई है प्लेस ऑफ वर्क आपको हिमाचल में ही कुल्लू में ही देखने को मिलेगा और वुमेन भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो भी इसे अप्लाई कर सकती हैं अब यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस क्या है सभी के लिए मैं बता देता हूँ जो भी आपको दूसरे नंबर की तीसरे नंबर की चौथे नंबर की वैकेंसी दिख रही हैं यहाँ पर एक फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है या आप फ़ोन नंबर पर पी डी एफ़ बनवा कर जो वो पी कैसे बनवाते हैं अब वो आप देखिए तो पी आपको इस तरह बनाना होगा कि रेज्यूम अब रेज्यूम का आपने शब्द सुना तो आपको पता होगा कि रेज्यूम किस प्रकार बनवाते हैं रेज्यूम के अंदर आपकी युवा फ़ोटो लगी होती है उसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होती हैं उसी के अंदर आपका एक्सपीरियंस होता है उसी के अंदर आपका जो है वो जो भी डिटेल होगी वो पूरी रेज्यूम के अंदर जो है वो आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हो या तो डायरेक्ट आप जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है सेवन एट जीरो सेवन टू थ्री सिक्स जीरो वन नाइन पर जो आप हाँ भेज सकते हो और अगर आप व्हाट्सएप फ़ोन नंबर पर नहीं भेजना चाहते तो इन्होंने अपनी जी मेल भी दी हुई है जहाँ पर आप देख सकते हो जी मेल के माध्यम से बाई पी कुल्लू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर भी जो आप हाँ भेज सकते हो अब यहाँ पर लास्ट डेट जो है हाँ वो काफ़ी नज़दीक है इस भरने के लिए क्योंकि पहली मार्च जो है लास्ट डेट रखी गई है और पहली मार्च से पहले पहले ही जो है वो आपको अपना रिज्यूम जो है हो पहुंचाना होगा इस मोबाइल नंबर और या फिर जी मेल पर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कोई डाउट है आपके मन में तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है सेवन एट ज़ीरो सेवन टू थ्री सिक्स ज़ीरो वन नाइन पर भी जो आप संपर्क कर सकते हो और इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो तो यहाँ पर ती, दूसरे तीसरे और चौथे नंबर की जो आपकी वैकेंसी है उसमें जो है वो आप यहाँ पर अपना रिज्यूम भेज सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टीचर की वैकेंसी है हेल्थ केयर ट्रेनर की वैकेंसी है स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैकेंसी है होम अप्लायंस की वैकेंसी है और सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी यहाँ पर जो रखी है रखी गई हैं तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अठारह से पैंतालीस वर्ष की एज वाले हैं वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब दूसरे नंबर की देख लेते हैं जो आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आउट की गई है तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो है वो चार जगहों पर जो देखने को आपको मिलेंगी तो आपको एक कंपनी यहाँ पर एम एस जे एन टी एल कंज्यूमर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड एम एस कोरोना रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड यूनिस्पीड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड और एम एस सन फार्मास्यूटिकल इंटरेस्टेड युवाओ अपनी पोस्ट यहाँ पर लेकर आई हुई है जिसमें क्या उसी माइक्रोबाइलोजिस्ट क्या उसी कमिस्ट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कोपिंग ऑपरेटर कंप्रेशन ऑपरेटर परचेज एग्जीक्यूटिव क्या उसी एग्जीक्यूटि क्या एग्जीक्यूटिव स्टोर एग्जीक्यूटिव पैकिंग सुपरवाइज़र लेवलिंग ऑपरेटर कंप्रेशन ऑपरेटर टेक्नीशियन और दो टेक्नीशियन की वैकेंसीज यहाँ पर जो है वो रखी गई हैं तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर भी जो है वो एलिजिबल होंगे अगर आप देख सकते हो खुद दो वैकेंसीज हैं बैचलर इन माइक्रोबालॉजिस्ट की होनी चाहिए तीन चार साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बाईस से तीस वर्ष की एज होनी चाहिए तो अलग अलग तरह की यहाँ पर जो है वो एलिजिबिलिटीज़ हैं तो आप स्क्रीन शॉट वगैरह ले सकते हो इनका और लोकेशन आपकी यहाँ पर कई जगह बद्दी में भी है और कई जगह आपको सोलन में भी बगैन से देखने को मिल रही है तो यहाँ पर सिंपली ट्वेल्थ पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्वेल्थ पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बट एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको उनकी फील्ड में जैसे कोई कोटिंग ऑपरेटर या कंप्रेशन ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेगा तो उनके पास वो एक्सपीरियंस वो स्किल होनी चाहिए इसे ठीक करने का आप डायरेक्ट जो है वो फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे आपको कोई ना कोई काम यहाँ पर करना आना चाहिए तो जो भी कैंडिडेट्स हैं बहुत सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपने सी बी वही पहले वाला रेज्यूम जो हो बाईपी सोलन ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर दस मार्च से पहले पहले जो हो भेज दीजिए तो दस मार्च से पहले पहले आप जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी रेज्यूम बनवा कर जो है वो आप बाई पी सोलन ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर भेज सकते जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स उनको फिर यहाँ पर जो है इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा तो जो यह दो तरह की वैकेंसी जो है वो हिमाचल के लोगों के लिए आउट की गई हैं तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं सिंपल मैंने आपको बता दिया किस प्रकार अप्लाई करना है क्या पोस्ट रहने वाली है बाकी वैकेंसी की डिटेल आपके सामने है यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए और सिंपली अप्लाई कर दीजिए